नमस्ते भारत, हम बलराम किसान हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से और आप हैं किसान पाठशाला पर। बुरहानपुर से फोफनार से एक मित्र ने वीडियो भेजा है जिनका ये मोबाइल नंबर है, आइए इन्हें सुनते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। बलराम भैया नमस्कार, बी किसान को मेरा राम राम। मैं फोफनार से शशिकांत पाटिल, जिला बुरहानपुर से। मेरा एक सवाल है, मैं अभी बी किसान का पूरी गाइडलाइंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 महीने से पूरे वीडियो देख रहा हूँ, पर मैं थोड़ा लेट हो गया सर। मेरा सवाल यही है कि अभी ये जो पौधा लगा है ये मात्र 3 महीने का है, ये 3 महीने का है, इसका रटून वगैरह पील का नियोजन तो मैं करूँगा, पर इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है, पर मैंने अभी ये नली जो है प्रति लाइन में लगा के डाल के रखी हुई है सर, जैसा दिख रहा है। अभी मैं बी किसान की गाइडलाइन फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया, मैं अभी 1 महीने से ज्वाइंट हुआ हूँ। मेरा सवाल यही है कि सर, मैंने जहाँ पे खाद दिया था यहाँ पे मैंने JU कंपनी का माइकोराइजा पौधे की जड़ें सशक्त करने के लिए डाला हुआ है, और अगर ये नली मैं इस जगह अभी नाली पाली के लिए यूज करता हूँ तो यहाँ पे अभी देखिए आप कुछ भी जड़ें नहीं है, तो नली अगर चेंज की तो क्या इसका पौधा, इसका परिणाम पौधे पे होगा और ये जड़ें सूख जाएगी? बस यह मेरा प्रश्न है बलराम भैया, मुझे क्या करना चाहिए आप सजेशन करिए। ये भैया जी, आपके प्लांट के हाइट हेल्थ और उम्र जिस हिसाब से है ना, अभी उसको वैसा ही रखना है, कुछ नई छेड़खानी नहीं करना है, ड्रिप को नहीं उठाना है, अदल बदल नहीं करना है। आपने 3 बार तो शायद वीडियो में बोल दिया है कि आप बी किसान को फॉलो कर रहे हो, अभी आप लेट हुए हो, इसलिए आपका फॉलो केवल बातों में होगा, फिजिकल नहीं होगा। क्योंकि बी किसान कहता है कि लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 से ऊपर और जिगजैग 7, 8 या 9, और ड्रिप लाइन पौधे के अंदर। तो अभी आपके पौधे की उम्र ऑलरेडी 3 से 4 महीने की हो गई है, तो आप जिधर ड्रिप लाइन है उधर ही ड्रिप लाइन रहने दीजिए, वरना पौधा खराब होगा, जड़ें टूटेगी और आपका प्लॉट दिक्कत में आएगा। तो अभी आप बोलना भी बंद कर दो कि बी किसान को फॉलो कर रहे हो, अभी आप जितना एडजस्ट करके आगे बढ़ सको आप किसान पाठशाला पर जुड़े रहो, कस्टमर केयर से जुड़े रहो। नई जो पद्धति आप जब फार्मिंग स्टार्ट करोगे ना, पहले दिन से पौधे लगाने के 1 महीने पहले से आपको 100% बी किसान को फॉलो करना है, तो उस हिसाब से ड्रिप, उस हिसाब से ग्राफ, उस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल सब चलाना है। अभी आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाओ, ड्रिप जहाँ है वहीं रहने दो, उसको छेड़खानी मत करो। लगा है 5.5x5 पर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सबसे गंदा ग्राफ है 5.5x5, और आप हर वीडियो में बोलोगे कि मैं बी किसान को फॉलो कर रहा हूँ तो वो मैच नहीं होता है। तो आप लेट जुड़े हो इसलिए ये बोलना बंद कर दो कि 100% बी किसान को फॉलो कर रहा हूँ। आप ये बोलिए कि मैं लेट जुड़ा हूँ, अब बी किसान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, वो अच्छी लाइन रहेगी और हम आपके साथ में ही हैं। जहाँ ड्रिप है वहीं रहने दीजिए, आप कस्टमर केयर से BFS का शेड्यूल भी ले लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? प्लॉट आपका बहुत सुंदर है, इसमें एक काम और कीजिएगा, आपके बुरहानपुर फोफनार खकनार में काफ़ी ज़्यादा सिगाटोका आता है, आपने ग्राफ 5x5.5 का लिया है तो सिगाटोका आएगा ही, तो प्रति 1000 पौधा 100 ग्राम कार्बन डिजम, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा हर 28 दिन में ड्रिप से छोड़िए और 2 दिन पानी बंद कीजिए, तो सिगाटोका और करपा आएगा नहीं, आया तो जल्दी रिपेयर होगा। चूँकि आपका ग्राफ पतला है, पास पास में है, तो सिगाटोका एंट्री तो करेगा। और पौध एकदम बढ़िया है, प्लांट अभी जो चल रहा है एकदम परफेक्ट चल रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं है इसमें, जहाँ जो ड्रिप है उसको वहीं रहने दो, कुछ चेंज करना नहीं है। ओके ब्रदर, थैंक यू। और सभी भारतवासियों में ये क्वेश्चन आते होंगे कि हम बी किसान से अभी लेट जुड़े हैं, अब 100% बी किसान को फॉलो कर रहे हैं, चूँकि आपके ग्राफ वगैरह आपके हिसाब से हो चुके थे, तो अब नए एडॉप्शन में जब पौधा छोटा रहता है तभी ड्रिप को बदला जा सकता है, बाद में नहीं बदलना है। जिनको मेरी बाइट्स अच्छी लगती है किसान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो पूरे भारत के किसानों तक भेजिए। थैंक यू।